पुलिस लोग का तमीज होना चाहिए कि किसे बात करना है। पब्लिक लोग हम लोग कान पर गवार है, पढ़े लिखा तो नहीं, उन लोग तो डिग्री के आईएएस ऑफिसर आईपीएस है, उन लोग को मालूम होना चाहिए कि नहीं। हम लोग नागालैंड से आया है, इसी उस वक्त में आया, आपको देखिए यही में हम लोग किया भी नहीं अभी तक, वो उस तरह में मर रहा होगा, एक दूसरे को मालूम नहीं। सीता देवी मंडल मोहिनी मंडल एडमिनिस्ट्रेशन को तो हम सुबह में टेलीफोन करके बोल दिया था कि जितना भी सकता है इमरजेंसी जो रिलीव है और जल्द से जल्द करने का उन लोग को सुबह में हमने टेलीफोन में बात किया। तो रिलीव का ऐसा है, एक भारत सरकार का नियम है और भारत सरकार नियम का अनुसार वो अकाउंट टू अकाउंट में ट्रांसफर होता है, तो इमीडिएट मतलब नहीं पहुँच पाता है। और इसलिए मेरा जो है, हम इमरजेंसी में हम अपना अपना जो हमेशा करते आया हूँ, ये हम आज बोल के नहीं है, आज हम कम से कम 15-20 साल से मैं कर रहा हूँ। जब से ईटानगर में मैं उस संभाला तब से मैं करते आया हूँ। आज भी उन लोग का इमरजेंसी और हम केस में उन लोग को मदद करने का कोशिश किया और उसमें से ज़रूर उन लोग जो है अपना जो ज़रूरी चीज़ें कुछ ले पाएगा, तो हम कोशिश किया उन लोग को देने का कोशिश किया और दे भी दिया। और इसका साथ साथ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो डेपो साहब है उनको भी हम टेलीफोन करके बोला, तिरपाल से नहीं होगा, अभी इमरजेंसी आप कहीं से भी अरेंज करके आप चीज़ें ऐसी अरेंज कर दो और अरेंज करके उन लोग को अभी तो पूरा वर्षा बाकी है, अभी वर्षा शुरू हो गया कि अभी ईटानगर में, मतलब ईटानगर में बोल के नहीं, अरुणाचल में 7-8 मंथ आपका वर्षा आता है, तो उसी में उन लोग तिरपाल से चल नहीं पाएगा। इसीलिए उन लोग को जैसे भी फॉरेस्ट का जितना जो लेबर है उन सभी को जल्द से जल्द चीज़ें ऐसी बंदोबस्त कर दो और उन लोग खुद भी बनाएगा, घर बनाएगा, तो उन लोग को हम रिक्वेस्ट किया और उन लोग जरूर कोशिश करेगा बोला। और आप लोग का मीडिया की ओर से हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जितना भी ऑफिसर है उन लोग से भी मेरा रिक्वेस्ट है और ऐसे समय में आप जल्द से जल्द उन्हें अपना जो कार्यकर्ता है, काम करने वाला है, उनको आप इस समय में मदद करना है और आगे आना चाहिए। और कोई भी अगर एनजीओ है और कोई भी अगर पब्लिक लीडर है, अगर कोई भी अगर देना चाहता है इस समय में, हम सभी से अनुरोध करेगा, कोई चावल देना चाहता है तो दे दीजिए, कोई कंबल देना चाहता है तो दे दीजिए, हाँ, जो किसी भी रूप में आप कैश ऑन कॉन्स में अगर आप जो भी अगर मदद करना चाहता है तो ऐसे सिचुएशन में आकर मदद कर सकता है। और हम ये तो नहीं बोलेगा कि अगर कोई जवान लड़का लोग होने से समान मित्र लाने से उन लोग सोशल सर्विस भी करते देख सकता है। और यहाँ का जो कोऑपरेटर है और यहाँ का जो सेक्टर कॉलोनी का जो यूथ प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है, उन सभी को भी हम अपील करेगा अगर काम शुरू करता है तो। जब तक हम लोग पहुँचा मैक्सिमम आधा तो कम्प्लीट ही हो गया था, जितना अभी जो घर जला है उसमें 35 घर है बैरेक मिला के, तो 35 जला है उसमें मैक्सिमम। हम लोग पहुँचते तो ऑलरेडी आग फैल चुका था। और खास ये है कि मेन बात जो आग को काबू नहीं करने का कारण जो
हमारा वहाँ से गाड़ी बिल्कुल पहुँचता नहीं है, एक नंबर तो दूसरा नंबर था हमारा आईजी पार्क से घुसना था, दोनों गेट बंद था। जब गेट को ताला को तोड़ने का बावजूद भी वहाँ में फिर एक आपका गड्ढा खोद के रखा है, गाड़ी क्रॉस नहीं हो पा रहा था। फिर भी हम लोग जितना सकते कोशिश करके ये सी सेक्टर वन से फिर घुस के हम लोग ट्राई किया जितना सकता है, जो ये वॉल को क्रॉस करके जो जितना सका है हम लोग कोशिश किया, पूरा कम्प्लीटली सबका कम्प्लीटली जल गया। तो हम जिस घर से शुरुआत आग लगा है उसको भी हम तहकीकत किया है, तो उन्होंने बताया उसको भी फटा नहीं। जब हम 3 बज गया था तो जगह देखा है तो मेरा आग घर जो ऑलरेडी पूरा भरा हुआ था, तो एग्जैक्ट कहाँ से लगा है उनको भी फटा नहीं।